अच्छा मेरा ख्याल है अहमद आ गया, एक मिनट। तुम आ गए यार। मैं तो आ गया हूँ डैड, लेकिन अपने साथ किसी और को भी लाया। यार उसको बाद में मिलूंगा, मगर पहले ये बताओ कि वो जो कमरे में लड़की है वो कौन है? लड़की? कौन लड़की? वो कह रही है कि वो तुम्हारी बीवी है। बीवी? क्या बोल रहे हैं आप? सरताज, मैं आ गई सरताज, मैं कब से आपकी राह तक रही थी सरताज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सरताज बता दे इन्हें आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अहमद अहमद कह दो ये सब झूठ है प्लीज। जी डैड, ये लड़की झूठ बोल रही है। क्या कहा? मैं झूठ बोल रही हूँ? भूल गए वो सारे वादे जो आपने मुझसे किए थे? हैं? कौन सा वादा? कौन से वादे? वो वादे जो सिफारी पार्क की पहाड़ियों पे हमने चलते हुए किए थे। अग्नि को साक्षी मान के आपने मुझसे शादी करी। ये मेरी मांग का सिंदूर झूठ नहीं बोल रहा, गले का मंगलसूत्र के चीख चीख के कह रहा है कि अहमद ही मेरा पति है। बबलू? हाँ डैडी, एक्चुअली बबलू की कजन है। वो लगता है इसने दवाई नहीं ली, इसका थोड़ा दिमागी। बताना बबलू। मेरी कजन? मेरी कौन सी कजन है? चलो ना। क्या है मोटे, तू कौन है? बताओ जरा, दवाई नहीं पीना, मुझे भी भूल गई, ये हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। चलो ना, तो दवाई का टाइम हो गया तुम्हारी। चलो ओके। देखा, मैं कह रहा था ना कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आपको गलत फहमी है डैड। क्या मतलब? मैं कोर्ट मैरिज करके आया। ये अहमद ने क्या कर दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। छोड़े शमशेर भाई, जो होना था सो हो गया। हो तो गया है, मगर कितनी जिल्लत की बात है। तस्कीन तुम चुप रहो। भाभी ठीक कह रही है दफर, उससे तो मुझे तुम लोगों के सामने जलील करवा दिया। ऐसी बातें कर रहे हैं शमशेर भाई, आप मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं जैसे पहले थे। बिन माँ के पला बड़ा है, जो ना करे वो कम। तस्कीन, ओह।